आज मैं लेकर आया बहुत ही अच्छी न्यूज़ एंड दिस इज स्पेसिफिकली फॉर इंडिया एंड स्पेशली फॉर आर ऑटोमोबाइल सेक्टर। टेस्ला इज फाइनली कमिंग टू इंडिया एंड ये कोई रूमर न्यूज़ नहीं है, दिस इज रियली हैपनिंग। इलॉन मस्क ने लास्ट ईयर भी अपना इंटरेस्ट दिखाया था टू इन्वेस्ट इन इंडिया, बट उस टाइम पे इंडिया की कुछ रिस्ट्रिक्टिव पॉलिसीज थी जिसकी वजह से टेस्ला ने बैकआउट कर लिया था। लास्ट ईयर अक्टूबर 2019 में इंडिया ने वो पॉलिसीज हटा दी हैं, तो टेस्ला इज रेडी टू इन्वेस्ट अगेन। टेस्ला की ऑलरेडी दो मीटिंग्स हो चुकी हैं कर्नाटका गवर्नमेंट के साथ टू सेटअप देयर R&D सेंटर इन बेंगलुरु, एंड ये ओनली सेकेंड सेंटर होने वाला है टेस्ला का आफ्टर द US। तो आप सोच सकते हो कितनी बड़ी बात है कि टेस्ला जैसी कंपनी इंडिया में इन्वेस्ट करने में इंटरेस्टेड है। तो वंस टेस्ला इज इन, इंडिया का EV सेक्टर बहुत ज़्यादा डेवलप करने वाला है। ऑलरेडी इंडिया स्लोली प्रोग्रेस कर रही है EV सेक्टर में, बट वंस टेस्ला जैसी वेल एस्टेब्लिश कंपनी इंडिया में सेटअप हो जाएगी तो ये बहुत ज़्यादा बूस्ट देगा इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स को। और इसके फायदे ही फायदे हैं, कॉस्ट कम है, एफिशिएंसी अच्छी है एंड स्पेशली पॉल्यूशन फ्री है, तो यू विल सी अ क्लीनर इंडिया। एक फाइनल मीटिंग है कर्नाटक गवर्नमेंट की विद टेस्ला एट द एंड ऑफ दिस मंथ, जिसके बाद हमें फाइनल एग्रीमेंट के बारे में पता लग जाएगा एंड हमें कुछ न्यूज़ मिल जाएगी कि व्हेन कैन वी सी टेस्ला कार्स रनिंग ऑन इंडियन रोड्स। बस यही था इस वाली वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू फील। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन।